आज है इस विलेज में मेरा सुहाना दिन एंड चेस्ट लगा देते हैं। हेलो सर, सर मैं आपके गांव में न्यू आई हूँ और आपके गांव में रहने आई हूँ। क्या मुझे थोड़ा ज़मीन दे सकते हो रहने के लिए? क्या सोच रहे हो सर? यही सोच रहे हो ना कि मेरे जैसे एक सुंदर कन्या को आप अपने गांव से निकालना ही नहीं चाहते? शायद मेरा जोक उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए चले गए। जाने दो उनको, उनको क्या लगता है मेरे को क्या जगह नहीं मिलेगा रहने के लिए? आप लोग ही बताओ, इतनी कड़ी धूप में एक सुंदर सी नाजुक सी कन्या यदि बाहर घूमेगी तो टैन नहीं हो जाएगी, सनबर्न नहीं हो जाएगा है? क्या बकवास कर रही हूँ यार। तो चलो हम लाल के लिए हमारे सारा सामान यहाँ पे रख देते हैं। एंड हाँ गाइस, मैं और एक बात बता देती हूँ, ये गांव वाले मेरे को क्या निकालेंगे? मैं जहाँ पे खड़ी होती हूँ वहाँ पे मेरे पीछे ज़मीन की लाइन लग जाती है। तो आज हम बनाएंगे हमारे लिए प्यारा सा सुंदर सा नन्हा सा मुन्ना सा हाउस। सो आप लोग भी रेडी हो ना? मैं भी एक्साइटेड हूँ। उससे पहले मैं इस सारे सामान को रख के गांव घूमना चाहती हूँ। एक ब्लैकस्मिथ का घर भी दिख गया है जो, और उस ब्लैकस्मिथ के घर से मेरे को डायमंड की बू आ रही है, मतलब ऐसे बोल रही है, बेपनाह प्यार ही आ जा। सीरियसली मैं क्या बोल रही हूँ? तो फिलहाल हम रख के गांव घूमने चलते हैं जल्दी जल्दी से। मैं सारा सामान रख चुकी हूँ एंड अब चलते हैं हमारे ब्लैक स्मिथ के घर। ओ माय गॉड, डायमंड ही डायमंड मिलेंगे, क्या ही हो रही हूँ यार। तो चलो पहले देखते हैं खोल के उसमें क्या है। माइनक्राफ्ट वालों ने भी मेरा पोपट बना दिया यार। इसमें तो आयरन और डायमंड भी मिलते थे ना? हाँ वो पता है कि रेयर केस में होता है। हाँ हाँ मुझे ये भी पता है, मैं इतना लकी नहीं हूँ। आप लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट किडिंग। तो चलो हम सारे घर में देख लेते हैं क्या क्या सामान है। एंड इससे इस यहाँ पे भी एक चेस्ट होता है ना? यहाँ पे भी चेस्ट नहीं है। मेरे को घूमते घूमते रात हो गया एंड किसी के चेस्ट में भी कुछ अच्छा लूट नहीं है। और मैं ये क्या पानी हमेशा छोड़ देती हूँ। चलो चलते हैं। अरे मेरे पीछे क्रीकर, सॉरी सॉरी क्रीपर, मैं डर के मारे अभी प्रीकर बोल देती। चलो यार मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरे को जॉम्बी स्केलेटन क्रीपर एंडरमैन सब टोकेंगे एक साथ पकड़ के। मेरा बेड किधर है? मैं बेड भी भूल गई। ओ दे, अरे क्रीपर भी आ रहा है पीछे कमीना के घर में, अभी सो भी नहीं सकती। चलो अरे अरे क्रीपर आ गई। सुरेखा क्या कर रही है? मैं पागल हूँ, मैं किधर जाऊँ? थैंक गॉड क्रीपर से पीछा छूटा। मैं अभी चलती हूँ मेरे बेड पे जल्दी जल्दी। ये कौन सोया है मेरे बेड पे? ये सो गया, भाग यहाँ से। ओह थैंक गॉड मैं सो गई जल्दी जल्दी, सुबह हो। फाइनली इस गाँव में सुबह हो गया एंड उधर देखो क्रीपर एंड जम्बी नहा रहे हैं। अच्छा अच्छी बात है, सुबह सुबह नहाना चाहिए। एंड ये मेरे से प्रसाद लेने के लिए आ गया। तो चल रहा है फिर भी, तेरे को डर नहीं है? सीरियसली मुझे मारने आ रहा है कहीं पे, कोई बिल पे छुपने की जगह मेरे को मारने आ रहा है कमीना। ये देखो गाइस, इस बेशरम को शर्म ही नहीं है। सुबह हुआ नहीं कि मेरे पीछे पड़ गया। कमीना इधर आ, मैं आज तुझे फूटने ही नहीं दूंगी, आज तेरे को मार के रहूंगी। चला जा, आ जा ऐसे बोलते हैं ना, आ जा, तेरे को आज फूटने ही नहीं दूंगी। कितना कितना ऐसे ऐसे ब्लो हो रहा है मैं देखती हूँ, आज मर। हुआ, मैं बोली थी ना आज मैं तुझे फूटने नहीं दूंगी। बड़ा आया मेरे से पंगा लेने इस बार तो सीरियसली। और कोई भी आएगा ना, मैं सीरियसली किसी को नहीं छोड़ूंगी, बता दे रही हूँ। मैं फालतू का टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ? तो चलो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे घर के लिए जो जो सामान चाहिए सब लेके आते हैं। सीरियसली फालतू का टाइम वेस्ट बहुत हो गया, तो चलो चलते हैं। एंड इधर मैं पानी क्यों छोड़ दी? एंड ये कोई जॉब नहीं करता क्या? डोंट वरी, मैं मेरे घर बनाने तो अच्छा आलीशान वाला, मैं सारे सबके लिए घर बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं बहुत सारा एक्स बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे को ऊँट काटने जाना है। तो स्टोन का कोई मतलब, स्टोन वगैरह तो नहीं काटना, तो स्टोन का कुछ काम नहीं है फ़िलहाल। मेरे को स्टोन इसलिए चाहिए कि मैं बहुत सारे एक्स बना सकूँ। तो चलो हम जल्दी जल्दी से एक्स बनाते। अरे मेरा क्राफ्टिंग टेबल इधर से मैं कहाँ ढूँढूँ, इधर रहा मेरा क्राफ्टिंग टेबल। एंड यहाँ पर लगाते हैं हमारा क्राफ्टिंग टेबल। एंड अभी मेरे को बनाना है एक्स, तो बहुत सारा एक्स बनाना है, तो अभी जल्दी जल्दी से बना लेते हैं।
बन गया। अरे वो भी बन गया, तो मेरे को फ़िलहाल शायद मेरे को पिकैक्स तो नहीं चाहिए, पिकैक्स सब रख देते हैं, बाकी एक्स लेके चलते हैं हमारे ऊंट काटने। तो आप लोग देखते रहो, मैं काट के मिलती हूँ आप सबसे। एंड मैं सारे ऊंट काट के तो आ चुकी हूँ, एंड उधर मैं घर बनाऊंगी, एंड इधर मैं सारे ट्री जो लेके आई थी सारे के सारे लगा दी हूँ। मैं एक विलेजर का बेड भी उठा के ले आई थी, बस उसको वापस करते हैं पहले उसका बेड, उसके बाद जो काम करेंगे। हे विलेजर अंकल, आप यदि घर में हो, नहीं है, कोई नहीं है, तो मैं इसका बेड उठा के ले गई थी। तो फिलहाल हम चलते हैं उस तरफ, मतलब जिस तरफ मैं घर बनाऊंगी, सारा सामान उधर ही शिफ्ट कर देते हैं ताकि मुझे इधर बार बार आना जाना ना करना पड़े। एंड उधर फ्लैट भी तो करना है, बहुत सारे ग्रास, मतलब ग्रास ब्लॉक भी तो काटना है। तो चलो फटाफट से ये सारे काम उधर शिफ्टिंग विफ्टिंग करवा के मैं मिलती हूँ आप सबसे। कितना प्यारा सा सनसेट हो रहा है ना, तो चलो इस सनसेट के साथ हम हमारे दिन का कार्य आज यहीं पे समाप्त करते हैं एंड घोड़े बेच के सो जाते हैं, सुबह उठ के सब काम करेंगे। एंड ये मेरा सुबह भी हो गया इतना जल्दी, तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड मेरे को ये सारे ग्रास ब्लॉक भी हटाना है, बहुत ही काम करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी जल्दी से ये काम भी निपटा के आप सबसे मैं मिलती हूँ। रात तीन दिन के बाद मैं आई हूँ, सब पूरा फ्लैट भी कर दिया है पूरा चारों तरफ। अभी मेरे को घर बनाने में बहुत ही आसान होगा, देन अभी फ़िलहाल हम सो जाते हैं, सुबह उठ के बनाएंगे हमारा प्यारा सा घर का शुरुआत। चेस्ट में अभी जितना सा सवल वगैरह है मैं रख देती हूँ यहाँ पे, एंड सारे के सारे रख के हम निकलते हैं काम शुरू करने घर का। वो एंड से बनाना शुरू करते हैं, बहुत बड़ा सा गोल, यहीं से शुरू करते हैं, हाँ यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलो मैं ये सील्ड उतार देती हूँ, मेरे को बहुत दिक्कत देगा करने के टाइम। तो अभी हम निशाना लगाना शुरू कर देते हैं, मैं कितना कितना का बनाऊँगी। तो मेरे को फ़िलहाल सर्कल बनाना है, तो ये बन गया 9 का। एंड thank you.
मेरा सर्कल बनके तैयार है एंड मैं दिखा देती हूँ कि कैसे बना है ऊपर ऊपर चल के। सो गाइस, ऐसा कुछ बना है, ओपी लग रहा है ना, पूरा बॉल जैसे। तो ये भी मेरे को कंप्लीट करना है। अभी पिलर भी उठाना है वही ओक लॉग से ही। तो मैं जल्दी जल्दी से वो काम करके भी आप सबसे मिलती हूँ। सो मैं सारे के सारे पिलर भी उठा चुकी हूँ एंड इसको अभी कनेक्शन करने का बारी। सो गाइस, मैं पिलर उठा के कनेक्शन भी कर चुकी हूँ एंड ये कुछ ऐसा दिखता है। एंड इसमें अभी मेरे को वर्ज का लॉग भी मेरे को, मतलब लॉग तो नहीं, प्लैंक उस वो भरना है सारे के सारे में। तो वो भी कर लेती हूँ यार। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं पूरा काम करके आप सबसे मिलती हूँ। जहाँ पे कुछ ज़रूरत होगा मैं आप लोग से बात करूँगी। हुआ, मैं अभी तक मेरे घर आधा ही बनाई हूँ। इन लोग को देखो, कब्जा जमाने के लिए आ गए कमीनों। तो चलो यार, हम हमारे काम में ध्यान देते हैं, इन लोग को इग्नोर करते हैं। इस बेशरम को देखो, मुंह उठा के लड़ने के लिए चलाया ये। चल यहाँ से, चल चल यहाँ से, मतलब कुछ भी बेफालतू का मेरा अब इसको देखो तीर मारने लग गया। अब ये अपने तीर से खुद मरेगा। तेरे लिए एक और डायलॉग निकल जाएगा, खुद के तीर से खुद का खात्मा। बस ये क्या बोल रहे हो यार। दो तीर से एक निशान, नहीं नहीं सॉरी, एक तीर से दो निशाना होता है कि नहीं। ये हो गया उस खुद का तीर से खुद का खात्मा। बहुत अच्छा, तालियां। तो चलो, हम बेफालतू का बात नहीं करके यहाँ पे टॉर्च लगा देते हैं ताकि कमीने लोग स्पॉन ना हो एंड मेरे घर को ख़राब ना करें। एंड ये सारी लगा के फिर से हम हमारे काम पर लग जाते हैं। मैं सारा का सारा प्लैंक लगा चुकी हूँ एंड अभी सेकेंड फेज बाकी है। और अभी फिर से वही वैसे टाइप का पिलर उठना है एंड मतलब कनेक्शन भी करना है एंड भरना भी है। देन बहुत काम बाकी है। तो चलो, हम बिना देरी किए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
गाइस, मेरा आधा अधूरा घर बनके कंप्लीट हो चुका है और आधा बाकी है। लग रहा है ना मस्त? इधर देखो कितना अच्छा व्यू है एंड मेरा घर। ओ माय गॉड, मेरे को कितना खुशी लग रहा है ना मेरा घर इतना अच्छा देख के। तो चलो मैं अब मिलती हूँ पूरा डायरेक्ट लास्ट में, क्योंकि अभी बहुत ही काम करना है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं मिलती हूँ एंड में पूरा घर बनाने के बाद। सो फाइनली मेरा घर बनके तैयार हो चुका है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है इसके लिए। मेरे घर देख के बताना कि कैसे लगा आप लोग को घर। एंड मैं दिखाने जा रही हूँ ये रहा मेरा घर, आप लोग को कैसे लगा ज़रूर कमेंट में बताना। एंड मुझे तो बहुत ही ओपी लगा, बस थोड़ा सा डेकोरेशन बाकी रहा। ओ तो मैं कंप्लीट कर लूँगी, बट आप लोग कमेंट में बताना आप लोग को घर कैसा लगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में होम टूर भी दे दूँगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।